वेलकम बैक गाइस। शाइनी पोकेमॉन्स के बारे में हम सब जानते हैं और शाइनी पोकेमॉन्स हर किसी को काफी ज्यादा पसंद होते हैं, जो कि भाई नॉर्मल पोकेमॉन के कलर से थोड़ा डिफरेंट होता है उनका कलर, तो ऐसे वो काफी डिफरेंट होते हैं। देखो, पोकेमॉन वालों ने खुद ये चीज बता रखी है कि जो भी पोकेमॉन नॉर्मल वाले कलर से थोड़ा अलग कलर का होता है तो वो शाइनी ही कंसिडर किया जाता है। लेकिन हमने एनीमे के अंदर काफी सारे रॉन्ग शाइनी पोकेमॉन्स भी देखे हैं, यानी कि भाई जो ना तो नॉर्मल है और ना ही शाइनी है, उनका कलर शाइनी से भी काफी डिफरेंट है। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक जरूर देखना। इसके अलावा तुम लोगों ने ये फैक्ट वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके देखो भाई, ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन से भी। वीडियो से पहले मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ मूवीज नेशन ऐप के बारे में। इस ऐप पर जाके तुम पोकेमॉन के एपिसोड्स और मूवीज एकदम फ्री में देख सकते हो, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। इसके अलावा पोकेमॉन के नहीं, तुम दूसरी मूवीज भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी जाके डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर पर भाई इसका नाम सर्च करो मूवीज नेशन और 5 स्टार की रेटिंग दो। 3 भाई लक्की विनर्स को कैश प्राइज भी मिलने वाली है, तो अभी जाके भाई डाउनलोड करो और एंजॉय करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी जाके डाउनलोड करो। नंबर 1, स्टार्ट करते हैं एलिस्ट को ऐश के गेंगार के साथ में। ऐश के गेंगार का जो कलर है वो तुम देख सकते हो कुछ ऐसा है, जबकि भाई नॉर्मल गेंगार का कलर कुछ देख सकते हो ऐसा होता है, ये कुछ थोड़ा डार्क रहता है। लेकिन भाई ऐश के गेंगार का कलर काफी अलग है। इसके अलावा अगर तुम शाइनी देखना चाहते हो तो भाई ये शाइनी है और इसका कलर तुम आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो भाई नॉर्मल वाले से, काफी डिफरेंट है। लेकिन भाई जो ऐश का गेंगार है वो तो बिल्कुल ही अलग है, मतलब ना तो ये नॉर्मल जैसा है ना ये शाइनी जैसा है, तो भाई ऐश का गेंगार मतलब एकदम ही अलग कलर का है और तुम इसे एक रॉन्ग शाइनी कह सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया भाई कोई भी पोकेमॉन जिसका कलर अलग होता है नॉर्मल से वो शाइनी कंसिडर किया जाता है। तो हाँ, ये एक टाइप से शाइनी है, लेकिन ये रॉन्ग शाइनी होगा क्योंकि भाई शाइनी तो इस टाइप का दिखता है, सारे शाइनी ऐसे होते हैं। लेकिन जो ऐश का गेंगार है भाई ये पता नहीं क्या अलग ही कलर का है, बिल्कुल कह सकते हैं भाई काफी रेयर होगा, मे बी ये काफी सही है। नंबर 2, लैप्रेस की मॉम। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली ऐश के लैप्रेस की मॉम के बारे में। सबको पता होगा ऐश ने भाई अपने लैप्रेस को रिलीज कर दिया था उसकी मॉम के साथ में, वो एपिसोड सब लोगों ने देखा होगा जहाँ पे भाई रिलीज किया था ऐश ने अपने लैप्रेस को। तो पहले तुम लोग यहाँ पे देख लो, ये है भाई एक नॉर्मल लैप्रेस का कलर और ये है एक शाइनी लैप्रेस का कलर। शाइनी बहुत ही डिफरेंट है, बिल्कुल पर्पल कलर में आ रहा है ये, तो आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन जिस एपिसोड में भाई ऐश ने अपने लैप्रेस को रिलीज किया था वहां पे हमने लैप्रेस की मॉम देखी थी, और पूरे ग्रुप में जो उनका लैप्रेस का पूरा ग्रुप था वो भाई जो मॉम थी वो एकदम ही अलग दिख रही थी, लैप्रेस की मॉम बिल्कुल ही कलर में अलग है। यहाँ तक कि वो खुद भाई अपनी बेटी के साथ में खड़ी है यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे भाई उनका कलर फिर भी एकदम ही डिफरेंट लग रहा है। वैसे मैंने इसका कहीं पे एक मेजर रीजन पढ़ा था कि ऐसा करने के पीछे एक रीजन हो सकता है क्योंकि भाई हम व्यूअर्स अच्छे से मतलब डिफरेंशिएट कर पाए कि भाई इस लैप्रेस की मॉम कौन है, उसी वजह से भाई पोकेमॉन वालों ने ये कलर थोड़ा अलग रखा था, ऐसा मैंने कहीं पर रीजन पढ़ा। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है बट ऐसा कोई फैन थियरी हम कह सकते हैं, लेकिन जो भी हो ये भी एक रॉन्ग शाइन रहेगा। नंबर 3, पिंक बटरफ्री। ये तो भाई काफी पॉपुलर, सब लोग जानते होंगे बाय बाय बटरफ्री जो एपिसोड था जहां पे ऐश ने अपने बटरफ्री को रिलीज किया था, वहीं पे हमने ये वाली बटरफ्री देखी थी जिससे कि भाई ऐश की बटरफ्री को प्यार हो जाता है, और ये भी हमको मेंशन किया गया था सही से कि हाँ भाई ये एक फीमेल बटरफ्री है। पर यार हमने देखा है भाई फीमेल बटरफ्री और मेल बटरफ्री में कोई डिफरेंस नहीं होता, मतलब कलर डिफरेंस कुछ भी नहीं होता, दोनों सेम ही दिखते हैं। और बात करें शाइनी की तो यहाँ पे तुम शाइनी और नॉर्मल वाली बटरफ्ली का डिफरेंस देख सकते हो, इतना ज़्यादा भी नहीं है बट हाँ इतना है कि आराम से डिफरेंशिएट कर सको। लेकिन भाई ये बटरफ्ली तो एकदम ही अलग है भाई, शाइनी से इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, ये एकदम ही अलग कलर है और इसका कलर इन्होंने पिंक दिया हुआ है। इसका जो मेन रीज़न रहेगा ना कि भाई इसको ऐसा पिंक कलर का क्यों बनाया, वो यही रहेगा क्योंकि सबको पता होगा ऐसा स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि भाई पिंक लड़कियों का कलर होता है, तो अब पोकेमॉन वालों को इसको भाई फीमेल दिखाना था इसी वजह से उन्होंने पिंक कलर बना दिया, इसको पिंक कलर दे दिया। मेरे को लगता है मेन रीज़न यही हो सकता है, बट जो भी हो ये भी एक रॉन्ग शाइनी रहेगी। नंबर 4, रैटिकेट। अब यार सब लोग को ऑरेंज आइलैंड का वैलेंसिया आइलैंड याद होगा जहाँ पे भाई प्रोफेसर आईवी रहती थी, तो वहाँ पे हमने काफ़ी सारे पोकेमॉन्स देखे थे उस आइलैंड पे जो कि काफ़ी हद तक सेम ही कलर के थे, मतलब नॉर्मल वालों जैसे नहीं थे, वो अपने ही भाई सेम कलर के थे, मतलब जैसे कि तुम इस रैटिकेट को एग्जांपल के लिए ले सकते हो, ये काफ़ी अलग दिख रहा है नॉर्मल वाले से। अगर तुम शाइनी चेक करोगे तो हाँ ये शाइनी से थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन ये एग्जैक्टली शाइनी नहीं है, ये कन्फर्म है, ज़्यादा डार्क है भाई ये शाइनी के कंपेरिजन में देखा जाए, इसका कलर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है। और सिर्फ रैटिकेट ही नहीं भाई, उस आइलैंड पर जो भी थे सबका कलर कुछ इसी हद तक सिमिलर था, मतलब सब यही कलर के थे, तो हाँ ये भी कुछ ज़्यादा ही अलग पोकेमॉन थे और इनको भी हम रॉन्ग शाइनी कह सकते हैं। नंबर 5, ऑनिक्स। अब एक नॉर्मल ऑनिक्स होता है इस तरह का, और इसके बाजू में ही तुम इसका शाइनी फॉर्म देख सकते हो, शाइनी फॉर्म भी हमने एनिमे के अंदर देखा है, और हाँ अच्छा खासा डिफरेंस होता है कि हाँ तुम बता सकते हो भाई शाइनी कौन सा है और नॉर्मल कौन सा है। लेकिन ऑरेंज आइलैंड के अंदर भाई जो हमने ऑनिक्स देखा था, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टल ऑनिक्स के बारे में, वो तो भाई कुछ अलग ही चीज़ थी, मतलब वो अलग ही था यार सही में, वो ना तो भाई नॉर्मल जैसा था ना वो शाइनी था, वो तो एकदम क्रिस्टल से बना हुआ था। और
सही में यार, वो तो कुछ अलग ही मिस्टीरियस टाइप का ऑनिक्स था यार। मतलब कैसे एक ऑनिक्स पूरा क्रिस्टल का बना रह सकता है, और उसको एक्चुअली फायर टाइप के मूव से अफेक्ट हो रहा था, मतलब समझ रहे हो, जिससे भाई कोई फर्क भी नहीं पड़ता रॉक टाइप पोकेमॉन्स को, वो वाले ऑनिक्स को उससे फर्क पड़ रहा है फायर टाइप से। तो ये कुछ अलग ही था सही में, और इसको भी रॉन्ग शाइनी हम कहेंगे क्योंकि इसका भी कलर अलग है नॉर्मल वाले से, लेकिन ये कोई शाइनी नहीं है। नंबर 6, केक्लियॉन पोकेमॉन। केक्लियॉन यार एक काफी मस्त सा पोकेमॉन है, और इसका भी तुम नॉर्मल फॉर्म देख सकते हो, कुछ इस टाइप का रहता है, और शाइनी में भी भाई कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, मतलब देख सकते हो ऑलमोस्ट काफी हद तक सेम ही है भाई, शाइनी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जोटो के एक एपिसोड में भाई हमने देखा था एक नॉर्मल वाला केक्लियॉन, उसी के साथ में भाई एक दूसरा केक्लियॉन था जो कि पर्पल कलर का था भाई, मतलब पर्पल से कोई रिलेशन ही नहीं है यार, मतलब केक्लियॉन का। इसका शाइनी वर्जन भी ऐसा कुछ नहीं है, इससे बिल्कुल सिमिलर नहीं है, और नॉर्मल से तो भाई ये बिल्कुल ही सिमिलर नहीं है भाई, बिल्कुल ही अलग है ये कह सकते हैं, और ऑब्वियसली ये भी बिल्कुल एक रॉन्ग शाइनी रहेगा। उस एपिसोड में वैसे हमने ये देखा था कि ये मेडिसन नाम के एक ट्रेनर का था, तो मे भी हो भी सकता है कि भाई इसको किसी एक्सपेरिमेंट वगैरह की मदद से उसने इस कलर का कर दिया हो, या फिर अगर ये ऐसा ही है तो भाई कुछ पता नहीं है। नंबर 7, इस पर 3 पोकेमॉन्स एक साथ आते हैं, ब्रिलूम, श्रूमिश और मेरिल। तो अब होएन के एक एपिसोड में ये तीनों ही पोकेमॉन्स भाई हमने 3 अलग अलग ट्रेनर्स के पास देखा था, और तुम लोग खुद पहले इस इमेज को देखो, और तुम्हारे लिए एक पोके को इस टाइप की है, पहले रोक के वीडियो को अभी कमेंट में बताओ कि भाई तुमको क्या अलग लग रहा है इन तीनों पोकेमॉन्स में। यहाँ पे ऑब्वियसली यार कलर बिल्कुल ही अलग है, यहाँ पे मेरिल का तुम देख सकते हो एकदम ही अलग कलर कर रखा है, और ब्रिलूम का तो भाई मतलब क्या कर दिया सीरियसली, ये कलर बिल्कुल नहीं रहता इसका। और सेम श्रूमिश का अगर तुमको नहीं पता, तो वहाँ पे भाई व्हाइट कलर के स्पॉट्स हैं कुछ, जो कि नहीं रहते श्रूमिश पे। तो हाँ, ये 3 भाई ऐसे पोकेमॉन है जो कि बिल्कुल अलग है, ना नॉर्मल जैसे हैं ना शाइनी जैसे हैं, तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग शाइनी रहेंगे। नंबर 8, डिऑक्सिस पोकेमॉन। डिऑक्सिस भी यार एक काफ़ी मस्त पोकेमॉन है, और एक मूवी के अंदर यार हमने एक डिऑक्सिस देखा था जिसका फेस का कलर ग्रीन था, जबकि यार उसका फेस का कलर ग्रीन नहीं होता, कुछ ऐसा होता है तुम देख सकते हो यहाँ पे। और अगर शाइनी फॉर्म देखना चाहते हो तो भाई ये है नॉर्मल, और जो शाइनी वाला डिऑक्सिस है वो, तो देख सकते हो भाई ये वाला जो डिऑक्सिस है ये ना तो शाइनी जैसा है ना नॉर्मल जैसा है, डेफिनेटली ये भी एक बिल्कुल रॉन्ग शाइनी रहेगा। नंबर 9 पे आता है पिकाचू। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं विक्टर के पिकाचू के बारे में, यानी कि पूका द पिकाचू जो था। तो यहाँ पे अब एक नॉर्मल पिकाचू कुछ इस टाइप का दिखता है, और इसी के बाजू में इसका शाइनी फॉर्म देख सकते हो, नॉर्मल वाला काफ़ी ब्राइट रहता है और जो शाइनी वाला है वो काफ़ी डार्क रहता है। अब यहाँ पे जो तुम पूका द पिकाचू को देखोगे, तो पहले तो भाई इसकी आँख एकदम ही अलग है, नॉर्मल पिकाचू से बिल्कुल ही अलग है, ब्लू कलर की आँख है। इसके अलावा इसका कलर भी एक्चुअली काफ़ी डिफरेंट है, अगर तुम ध्यान से देखो तो नॉर्मल के कंपैरिजन में इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क है, लेकिन अगर शाइनी से कंपेयर करें तो इसका कलर थोड़ा सा लाइट है। इसका कलर मतलब बिल्कुल बीच में है भाई शाइनी और नॉर्मल वाले के, तो कह सकते हैं ये भी काफ़ी रॉन्ग शाइनी रहेगा। नंबर 10, स्नोरलैक्स। नॉर्मल स्नोरलैक्स होता है भाई इस टाइप का, और शाइनी स्नोरलैक्स होता है इसके बाजू में कुछ इस टाइप का। और एक एपिसोड के अंदर हमने कुछ स्नोरलैक्स देखे थे, जो सिर्फ एक नहीं था भाई, काफ़ी सारे स्नोरलैक्स थे और वो सभी यही कलर के थे, लेकिन इनका हमको रीज़न बताया गया था कि इनका कलर ऐसा क्यों हो गया है भाई, ज़्यादा ठंडी में रहने की वजह से इनका कलर कुछ इस टाइप का हो गया था। मतलब हाँ, ओरिजिनली इनका ये कलर नहीं था भाई, पहले ये भी नॉर्मल स्नोरलैक्स जैसे ही दिखते थे, तो हाँ, लेकिन जो भी अब इनका कलर ऐसा हो चुका है तो हम यहाँ पे इनको भी रॉन्ग शाइनी में काउंट कर रहे हैं। और इसी से सिमिलर एक सूडोवुडो हमने देखा था जो कि गोल्डन सूडोवुडो था, जिसको एक्सपेरिमेंट की वजह से भाई ऐसा कलर का हो गया था, वरना ये भी पहले नॉर्मल सूडोवुडो जैसा ही था। वेल, यही थी हमारी आज की लिस्ट, होपफुली तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, एम करते हैं 5000 लाइक्स के लिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाकी बेल आइकन भी दबा देना। मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।